पंडित सादी राम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या वह ऋण कभी सर से ना उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। वह अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब चार पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। सादी राम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी, मगर वे कुछ ना कर सकते थे। वे गरीबी की चक्की में पिस रहे थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादी राम के पैसे बचा बचा कर 80 रुपये जोड़ दिए थे। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। उनका लड़का लगातार 4 साल से बीमार रहा। बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित सादी राम ने सिर पीट लिया। वह चारों ओर फिर अंधकार था। उनमें प्रकाश की हल्की सी किरण न दिखाई देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की मजबूरी को जानते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हो। मगर सादी राम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादी राम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला हिंदी अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, क्या पंडित, ये क्या है? पंडित सादी राम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई पढ़ने के शौकीन थे, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इसमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है, लाला सदानंद के आगे बढ़कर कहा। दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित सादी राम ने कई सुंदर रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्र कला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित सादी राम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के क्यों खाना पड़ता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। क्या? आप बैठे कर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छाट कर निकाल लें। बहुत अच्छा, जब यह कैसे तो मुझे सूचित कर दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीर बहुत बढ़िया है। पंडित सादी राम को यह आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा निकल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठ कर तस्वीरें छाटते रहे। शाम को 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनकी मुख पर खुशी की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर देखते रहे मानो उसमें से एक 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। उनके दिल दिन बदलने दिखाई देते थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एक एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादी राम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। एक दिन बीत जाता है और कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल तरफ बैठकर जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शाम सादी राम के भाग्य जागे। कोलकाता से एक मारवाड़ी सेठ के पत्र लिखा एक एल्बम भेजा, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित सादी राम दौड़े हुए लाला के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है खरीद लेगा, और मूल्य लिख दो, 1000 रुपए से कम का सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित सादी राम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली थी, अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए। पंडित सादी राम सोचने लगे, अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। साज के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रख कर बोले,
परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस कर्ज से छुटकारा मिल गया। अपने रुपए संभाल लीजिए, अपने आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ खरीद लिया है। और रुपए भी आ गए हैं? जी हाँ। कितने रुपए आए हैं? 1,000। मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो अपना कर चुका देता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें, मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मेरे पास 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए, वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं, परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर अब तो ये रुपए ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं, मुझे आज इस बोझ से हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका आभास उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए, लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, उनके पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे थे, रोगी के भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिराने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराहट बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिराने से नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। बस सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। पंडित शादीराम ने इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया था, मगर यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया, उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे।